गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करेंगे। रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक पार्टिकल लिया है। ये हमारा क्या है, पार्टिकल है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस एंड टाइम की आवश्यकता होती है। एक क्या चाहिए हमको, डिस्टेंस चाहिए, और हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। उस कंडीशन में हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, उस स्थिति में ये पार्टिकल मोशन स्टेट में होगा। जब ये पार्टिकल मोशन स्टेट में होगा तो कुछ ना कुछ इसका मोमेंटम अवश्य होगा। जब ये पार्टिकल मोमेंटम स्टेट में होगा तब इसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। अगर ये पार्टिकल एक फ्रेम से यानी फ्रेम एस डैश में जाता है तो इसे डिस्टेंस और टाइम की आवश्यकता होती है, तो इसे रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स। यदि इस पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है उस कंडीशन में इस पार्टिकल में एक त्वरण यानी एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है। एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है उस कंडीशन में इस पार्टिकल के मोमेंटम में भी परिवर्तन होगा। यदि इस पार्टिकल पर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है उस कंडीशन में ये काइनेमैटिक्स कहलाता है। अगर हम फोर्स और मोमेंटम की बात ना करें तो ये हमारा काइनेमैटिक्स कहलाता है। यदि हम फोर्स और मोमेंटम की बात करते हैं तो ये डायनामिक्स कहलाता है। F बराबर एम ए यानी कि न्यूटन्स लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये इक्वेशन जो है हमारी डायनामिक्स इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन में रिलेटिविस्टिक डायनामिक होने के लिए लार्ज वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। उस कंडीशन में एफ बराबर एम ए में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के लिए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर इनवेरिएंट रहती है। यानी कि ये इक्वेशन क्या है, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश में जाने पर इस इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इसको ये कह सकते हैं ये इक्वेशन अपरिवर्तित रहती है। जब हम लार्ज वेलोसिटी इन्वॉल्व करते हैं उस कंडीशन में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की
अकॉर्डिंग या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश में जाने पर इनवेरिएंट यानी कि ये इक्वेशन क्या है, एफ बराबर एम ए इन वेरिएंट नहीं रहती है, तब ये कहा जाता है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार फ्रेम एस से फ्रेम एस डैस में जाने पर ये इक्वेशन अपरिवर्तित नहीं होती है। यदि इस पार्टिकल पर हम कि फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के कारण एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है और फोर्स को हम लगातार परिवर्तित करते जाएं, फोर्स अप्लाई करते जाएं, उस कंडीशन में हम इस पार्टिकल पर कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें लेकिन उस कंडीशन में इसके एक्सीलरेशन के अनुसार जो इसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी। यानी कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सीलरेशन में लगातार परिवर्तन हो रहा है फिर भी इस पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब है एफ बराबर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एफ बराबर क्या हमारा डीपी ओवर डीटी, पी बराबर क्या हमारा एमबी। अगर एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, अगर जो हम बाह्य फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बाह्य फोर्स की वैल्यू क्या है जीरो है, उस कंडीशन में डी पी अपॉन डी टी बराबर जीरो और पी बराबर कांस्टेंट। तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम क्या है कांस्टेंट है और ये लीनियर मोमेंटम समय के अनुसार चेंज नहीं होता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होता है या लीनियर मोमेंटम अपरिवर्तित रहता है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं और इसकी बात करने के लिए हमने कहा कि यदि किसी पार्टिकल को हम फ्रेम एस में, ये पार्टिकल क्या है फ्रेम एस है और इस फ्रेम एस में क्या ये रेस्ट पोजीशन में, यहां पर क्या है रेस्ट पोजीशन में है, उस कंडीशन में इसका जो मास है वो एम है। जब ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इन्वॉल्व की जाती है यानी इस पार्टिकल पर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इन्वॉल्व की जाती है उस कंडीशन में ये पार्टिकल ब्रेक हो जाता है टूट जाता है या विखंडित हो जाता है, तब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब ये पार्टिकल टूटता है उस कंडीशन में इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात इसका मास कंजर्व रहता है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वी होगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वी होगा, यानी कि इनके मास क्या है कंजर्व है, तो ये मास क्या कहलाएगा एम बाई टू, ये मास क्या कहलाएगा एम बाई टू।
तो ये कंडीशन क्या है, पार्टिकल टूटने से पहले उस कंडीशन में ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वी बराबर क्या है, जीरो है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि वी बराबर जीरो होने के कारण इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। मास कंजर्व है, उस कंडीशन में इसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है। ये तो हम बात कर रहे थे फ्रेम एस के लिए। यदि ये पार्टिकल फ्रेम एस डैश, यानी ये फ्रेम क्या हमारा एस डैश है, और ये फ्रेम जो है वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में ये पार्टिकल जो हमारा रेस्ट में था, अब वो पार्टिकल हमारा वी वेलोसिटी से यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर मोशन कर रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या है, वी। जब इसकी वेलोसिटी वी हो गई, अब क्या हुआ, ये पार्टिकल जब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, उस कंडीशन में ये पार्टिकल टूटता है, दो हिस्सों में बंटता है या विखंडित होता है, तब इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वी है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या है, वी है, और इस फ्रेम की वेलोसिटी भी क्या है, वी है। तो ये सेम वेलोसिटी से इस दिशा में जा रहे हैं, ये पार्टिकल भी जा रहा है, ये फ्रेम भी जा रहा है। कहने का मतलब है कि इन दोनों वेलोसिटी का यदि हम डिफरेंस करें तो वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि ये पार्टिकल जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में। ये वाला पार्टिकल क्या है, हमारा रेस्ट में है, इसका मास क्या है, m/2। अब बात करते हैं इस पार्टिकल की। ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इस दिशा में चल रहा है और फ्रेम हमारा इस दिशा में चल रहा है, तो ये पार्टिकल जो है इस तरफ चल रहा है, इसका मास भी क्या है, m/2, तो इसको हम मान लें इसकी वेलोसिटी बी मान लें, यानी कि कैपिटल वी मान लें। अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षता का सिद्धांत, या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यू एक्स बराबर यू एक्स माइनस बी, सॉरी यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। देखिए ये क्या, फ्रेम वी वेलोसिटी से इस एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में इस पार्टिकल की फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। अब हम यहाँ क्या लगा दें, माइनस बी लगा दें, तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी। कैलकुलेशन कर लें तो ये हमको मिलेगा यू एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस 2v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, कैपिटल वी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 2v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस वेलोसिटी से ये पार्टिकल इस दिशा में जा रहा है। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की, यानी कि पार्टिकल के ब्रेक होने से पहले और पार्टिकल के ब्रेक होने के बाद क्या उसका मोमेंटम कंजर्व है। तो देखिए अब हम बात करेंगे इस फ्रेम के लिए, यहां पर क्या रेस्ट में v बराबर जीरो, तो p बराबर जीरो, जिसको कहेंगे हम इनिशियल मोमेंटम यानी कि लीनियर। अब ये पार्टिकल क्या, दोनों पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, तो ये होगा फाइनल लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा आपका
एम अपॉन टू वी प्लस एम अपॉन, सॉरी ये माइनस होगा, इधर चल रहा है, और प्लस एम अपॉन बी, तो एम बी अपॉन टू, ये माइनस का ये प्लस, एम बी अपॉन टू यानी कि जीरो। तो फ्रेम एस में जो लीनियर मोमेंटम है वो ब्रेक होने से पहले और ब्रेक होने के बाद कंजर्व है। अब हम बात करते हैं फ्रेम एस डैश के लिए। तो देखिए इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर इस दिशा में चल रहा है माइनस एम बी, फाइनल लीनियर मोमेंटम बराबर, देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये जाएगा आपका एम बाई टू माइनस टू वी अपॉन वन मा प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मा, और ये जाएगा प्लस जीरो। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ये वैल्यू जाएगी आपकी माइनस एम अपॉन टू टू वी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या आपका इनिशियल मोमेंटम क्या है, माइनस एम बी, और फाइनल मोमेंटम क्या, माइनस एम बाई टू टू वी अपॉन वन माइनस, सॉरी वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों मोमेंटम बराबर नहीं है। कंडीशन ये कहती है कि रिलेटिविस्टिक इनर्शियल फ्रेम है, उस कंडीशन में यदि फ्रेम एस का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, उस कंडीशन में फ्रेम एस डैश का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। अब कंजर्व होने के लिए हमको क्या परिवर्तन करना है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए हमने मोमेंटम P बराबर एम जीरो वी एफ बी, ये हमने एक फंक्शन माना है। यदि हम बी वी टेंस टू जीरो देन फंक्शन एफ वी टेंस टू वन, उस कंडीशन में जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है रिलेटिविस्टिक मास बराबर एम जीरो एफ वी, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिविस्टिक मास कहलाएगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए हम एम जीरो मास लेते हैं, इस एम जीरो को हम रेस्ट मास कहते हैं। ये हमारा क्या है, रेस्ट मास। अगर हम रिलेटिविस्टिक मास की बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक मास जो हमारा रिलेटिविस्टिक मास होता है वो क्या होता है, हमारा कंजर्व होता है। उस कंडीशन में अब हम बात करेंगे फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश की। ये हमारा मास एम है, ये क्या हमारा फ्रेम एस है, यहाँ पर रेस्ट स्टेट में है और ब्रेक होने के बाद यानी इस मास का विखंडन होने के बाद इसका जो मास है वो एम बाई टू, और ये मास क्या है m by 2, ये वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी क्या है v है, इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिविस्टिक मास। ये कहलाएगा हमारा रिलेटिविस्टिक
मास। अब हम बात करते हैं फ्रेम एस डैश की। ये फ्रेम हमारा एस डैश है, ये मास हमारा वी वेलोसिटी से इस दिशा में मोशन कर रहा है। कहने का मतलब इसको हमने मान लिया एम डैश, क्योंकि ये फ्रेम वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा। उस कंडीशन में यानी विखंडन होने के बाद ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। उस कंडीशन में इसका मास क्या बन गया, एम जीरो बन गया। ये पार्टिकल क्या है, इस तरफ वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो -2v/(1+v²/c²) के बराबर थी। इसका हमने जो मास मान लिया वो मास क्या है हमारा, एम। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास है, यानी कि किस तरह से वेरिएशन होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिविस्टिक मास। देखिए, अब हम कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे मास ऑफ कंजर्वेशन। तो ये फ्रेम एस हो गया, ये फ्रेम एस डैश, मास ऑफ कंजर्वेशन किसके लिए, फ्रेम एस डैश के लिए। तो एम डैश इज इक्वल टू m+m₀। अब बात करेंगे हम मोमेंटम की, यानी कि ब्रेक होने से पहले और ब्रेक होने के बाद, यानी कि विखंडन होने से पहले और विखंडन होने के बाद। इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर माइनस m-b, फाइनल लीनियर मोमेंटम बराबर m-2v/(1+b²/c²). ये कंजर्व होने की कंडीशन में क्या होंगे, ये दोनों मोमेंटम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए, इनिशियल बराबर फाइनल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा आपका, -m-b बराबर ये हो जाएगा आपका -m2v/(1+b²/c²). माइनस से माइनस कैंसिल, बी से ये वी कैंसिल, m-m-बराबर हो जाएगा आपका m और यानी 2m/(1+b²/c²). ये हमारी क्या हो गई, एम डैश की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, इस एम डैश की वैल्यू लगा दें कहां से, यहां से। देखिए, ये वैल्यू पुट कर दें, m+m₀ = 2m/(1+b²/c²). यहां से हम m₀ ये कर दें, माइनस इधर पहुंचा दें, 2m/(1+b²/c²-m। m क्या करें हम कॉमन, 2m/(1+b²/c²-1। एलसीएम ले लें, m2 -(1+b²/c²)/(1+b²/c²), m₀ = तो m₀ ये हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो -v²/c²/(1+b²/c²), यानी कि ये क्या हो गया आपका, m₀ = तो ये वैल्यू हमको क्या मिल गई, m₀ की। इसे हम मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं, ये जो पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से मोशन स्टेट में है, उस कंडीशन में हम इसकी
ये वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, 1 + v² / c² / 1 - v², ये वैल्यू उनको मिल जाए। तो देखिए क्या करना है हमको, हमने लिखा v इज इक्वल टू 2v - 1 + v² / c² स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा v² = 4v² / 1 + v² / c²² हम इसको लिखना चाहते हैं 1 - v² / c², क्योंकि हम लार्ज वेलोसिटी इन्वॉल्व करेंगे। तो इन्वॉल्व करने का मतलब सी स्क्वायर से भाग किया, तो यहां भी लिखा हमने 1 - 4v² / c² / 1 + v² / c²² इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + v² / c² / 4 v² / c² / 1 + v² / c² / 1 + v² / c²² अब हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, तो मैं रफ करता हूं इधर से, इसका मैं होल स्क्वायर ओपन कर दे रहा हूं, तो 1 + v² / 4 c² - 4 - 4 v² / c² / 1 + v² / c² / 2 ये हो जाएगा आपका माइनस का बचेगा, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 1 - v² / c² / 2 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4² हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 + v² / c² / 2 ये हो गया हमारा 1 - v² / c². तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर हम इसको 2 मान लें, या हम इससे पहले स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि वहां पर भी हमारी क्या थी इक्वेशन, टेकिंग स्क्वायर रूट, देखिए अंडर रूट 1 - v² / c² = 1 - v² / c² = 1 + v² / c² इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हमने अभी फाइंड की थी, उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम क्या कर दें, सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद क्या होगा, हमको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखिए वो वैल्यू मिलेगी हमको, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इस जगह पे हम ये वैल्यू लगा देंगे, पुट कर देंगे, देखिए m0 = m√1 - b² / c², या इस तरह से लिख सकते हैं m = m0 यानी रेस्ट मास अपॉन 1 - b² / c². ये हमारी v की जो वैल्यू है वो वैल्यू है जब एक हमारा पार्टिकल रेस्ट में था ब्रेक होने के बाद, और एक पार्टिकल क्या था हमारा मोशन स्टेट में था, उस कंडीशन में वहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लग गई थी, तो उस पार्टिकल का ये वेलोसिटी है। इस रिलेशन को हम वेरिएशन ऑफ मास, ये क्या कहलाता है, वेरिएशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, तो ये हमारा वेरिएशन ऑफ मास कहलाता है विद वेलोसिटी। हम बात करेंगे किसकी, मोमेंटम की, देखिए
पी बराबर हमारा क्या था, एम बी। तो ये मोमेंट एम बी है, तो यहां पर ये वैल्यू लगा दें हम एम की, तो m0v/√1 − b² / c² पी बराबर। ये जो हमारा मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हम रिलेटिविस्टिक लीनियर इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे।